वेलकम फ्रेंड्स, एचटेक पेंटाकैम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जिन लोगों ने पेटीएम का फास्टैग डाउन ले रखा है, ठीक है, लोग अपना रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अदर कोई फास्टैग ले रखा है वो कैसे रिचार्ज करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको इस वीडियो में आपको पेटीएम के बारे में बताएंगे कि पेटीएम वाला रिचार्ज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पेटीएम ओपन कर लिया है। ठीक है, अब पेटीएम पेटीएम में में हम हम सर्च सर्विस में करेंगे। जाएंगे। आप सर्विस जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि रिचार्ज एंड पे बिल्स। ठीक है, रिचार्ज एंड पे बिल पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है मैनेज फास्टैग। मैनेज फास्टैग पे करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐड मनी टू पेटीएम फास्टैग। ठीक है, फिर मैनेज पेटीएम फास्टैग, रिचार्ज अदर बैंक फास्टैग, रिचार्ज अदर टोल्स। जिन लोगों ने पेटीएम का फास्टैग ले रखा है उनके लिए यहाँ पे रिचार्ज करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ऐड मनी टू पेटीएम फास्टैग करना पड़ेगा। ठीक, अब बस इतना करना पड़ेगा क्योंकि उनका पहले ही नंबर और अकाउंट तो लिंक होता है, तो यहाँ पे बस पेटीएम में पैसे डाल के प्रोसीड कर देना है। ठीक है, ऐड कर लेना है। चलिए हम यहाँ ऐड करके आपको दिखाते हैं। हालांकि मैंने कोई भी पेटीएम का फास्टैग अभी नहीं ले रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या बता रहा है। ठीक है, वही मेथड फॉलो करना है जो हमने बाकी पेटीएम सीरीज में बता रखा है आपको कि कैसे पे यहाँ पे मनी ऐड करना है या कैसे आपको क्या करना है। ओके, तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस पर जाके कृपया देख लें। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज पेटीएम फास्टैग। जब मैनेज पेटीएम फास्टैग पे करेंगे तो यहाँ पे देख लिए, अभी हमने बाई नहीं किया तो यहाँ पे बाई पेटीएम फास्टैग पे आ रहा है। जैसे ही पेटीएम बाई करेंगे तो हम वही पहले वाले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे जो हमने वीडियो इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें दे रखा है। ठीक है, तो उसमें ये इस वीडियो का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बाई करना पड़ेगा पहले, और जैसे ही आप बाई कर लेंगे उसके बाद आप अपने पेटीएम से ही जो है आप रिचार्ज कर सकते हैं। कहीं आपको जाने की, अदर बैंक का फास्टैग ले रखा है वो लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी बैंक है हमारे पास। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इक्विट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, HDFC बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी है, इंडस्ट्रियल बैंक है, और कोटक महिंद्रा बैंक है। ठीक है, ये सभी बैंकें हैं यहाँ पे। तो अगर आपका कोई भी इन बैंकों में अगर कोई कार्ड है, मान लिया HDFC का बहुत लोग जो के पास होगा, तो HDFC है, यहाँ पे व्हीकल नंबर डालेंगे, और जिन लोगों ने ले रखा है तो यहाँ पे आसानी से व्हीकल नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, उसके बाद पेमेंट कर देंगे और जो है मनी जो है फास्टैग में ऐड हो जाएगी। मिनिमम 150 रुपये का आपको रिचार्ज करना अनिवार्य होता है 4 व्हीलर के लिए, कम से कम 150 रुपये का। फिर रिचार्ज, एक ऑप्शन है रिचार्ज अदर टूल्स का, चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है। जैसे इसमें करेंगे यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट करने को आ रहा है, ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे है BETPL, बैंगलोर का है, मुंबई का है, नाइसी पे है, ये तीन ऑपरेटर्स हैं। अगर इनमें से कोई आपका है तो यहाँ से आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, पेटीएम एक लिमिटेड वैल्यू देता है और लिमिटेड जो है आप इसमें कर सकते हैं रिचार्ज। बाकी आपको या तो टोल प्लाजा पे जाके करवा लें, या तो आप CSC नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके वहाँ पे आप जो है ये फास्टैग का रिचार्ज आसानी से करा सकते हैं और वहाँ से फास्टैग खरीद भी सकते हैं। इससे पहले भी मैंने पेटीएम के कई सारे पार्ट बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से कुछ बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।